नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल लावण्या होम एंड गार्डन में। और आज शाम की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत से गुलाबी हिबिकस के साथ। ये मतलब कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए आज मतलब जब मैं ऊपर आई ना अभी टेरेस से, बहुत खूबसूरत हो गया। उसके बाद टिकोमा ने भी आज दिल खुश कर रखा है, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए टिकोमा, मतलब ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें चींटियाँ लग रही हैं क्योंकि इसमें होती हैं, लेकिन मैं इस पर तो गाइज़ फ्लावर्स तो बहुत हो गए गार्डन में, सोचा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी कर लिया जाए। सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसके लिए अभी से ही वेजिटेबल गार्डन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। कुछ मैंने स्टार्ट कर दी है और उसी के क्रम में, मतलब उसी लाइन में आज ये ग्रो बैग मेरे पास बड़ा वाला था। दो ग्रो बैग मैंने तैयार किए हैं और एक में आज मैं मूली लगाऊंगी और एक में आज ये लाल वाली भिंडी है। ये देखिए ये लाल वाली भिंडी है और इसकी सीड लगाऊंगी। तो और ये देखिए, ये साइड से मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका खिला हुआ है। मतलब नेचर भी ना डेली आपको सरप्राइज़ करती है। और ये देखिए, इसीलिए मैं इनकी कटिंग्स ढेर सारी रखना चाह रही हूँ। और ये देखिए रेन लिली कितनी खूबसूरत सी है। तो चलिए पहले मैं क्या करती हूँ, इस ग्रो बैग की मिट्टी को इक्वल कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने ये ग्रो बैग की मिट्टी एकदम बराबर कर ली है और इस ग्रो बैग में नीचे कंपोस्ट भी तैयार हो रही है और ऊपर मैंने मिट्टी भी डाल दी, क्योंकि किचन वेस्ट मैंने डाला था, सूखी पत्तियां डाली थी, ड्राई वेस्ट जितना भी था सब मैंने इसमें डालने के बाद इसको मिट्टी और थोड़े से कोको पीट से भर दिया था। तो इतना ये बैग जो भरा हुआ है ये सफिशिएंट है। तो अब इतने बड़े ग्रो इंच में ये शायद, हाँ ये 12 का है, 12 इंच वाला है। तो मैं इसमें ये आपको दिखा दूँ, ये 4 सीड है मेरे पास, ये 4 डालूँगी और 4 कोनों पे, क्योंकि अभी तो देखने में ये लग रहा है कि कम है, लेकिन जब ये ग्रो करेंगे, जैसे मैंने इसमें देखिए, जैसे ये है इसमें ये 3 सीड हैं, तो इसमें मैंने इसमें भी 3 पौधे हैं, लेकिन ये देखिए पूरा का पूरा ये भरा हुआ है। तो इसमें मैं सिर्फ 4 डालूँगी और चलिए लगाते हैं, क्योंकि फिर ये ग्रो करेंगे तो बढ़ेंगे तो फिर ये पूरा स्पेस भर जाएगा। तो चलिए मैं इसको 4 कोनों में 4 सीड लगाती हूँ। अब जैसे कि ये पूरा है ना एरिया, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 1, 2, 3 और 4 बस ये 4 सीड डाल दिए। अब अगर ये 4 भिंडी भी, मतलब 4 पौधे भी अच्छे से रेडी हो गए ना, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसको छोड़ देती हूँ, अभी मैं बाकी पौधों में वाटरिंग करूँगी तो इसमें भी कर दूँगी। और बीच में एक नहीं लगाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए होगी जब पौधा बढ़ेगा, तो इसलिए बीच में कुछ नहीं लगाऊँगी। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं कुछ मूली के बीज लेके आई थी। एक हाथ से खोलने में दिक्कत हो रही है। देखिए ये मूली के बीज हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ जिसने नहीं देखे होंगे। वैसे तो मोस्टली सबने देखे ही होंगे, ये मूली के बीज हैं। तो एक ग्रो बैग वो दिख रहा है आपको, वो साइड वाला, तो मैं वहाँ भी लगाऊँगी। चलिए उधर ही चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और आज ये बालसम, ये गुलमेंदी है ना, मुझे इसके भी बीज लगाने हैं क्योंकि सितंबर तक अक्टूबर तक इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं उसका भी बीज लगाऊंगी। तो चलिए उधर ही चलते हैं और फिर लगाते हैं। तो ये मैंने, जिसमें मुझे मूलियाँ लगानी हैं, मैंने वो वाला ग्रो बैग भी देखिए एकदम बराबर कर लिया है पूरा। और इसमें भी सेम पॉटिंग मिक्स है, नीचे इसके ड्राई है, फिर कंपोस्ट है। उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा ग्रो बैग होता है ना, तो उसको सिर्फ आप सॉइल मिक्स से नहीं भर सकते। मैं क्या करती हूँ, नीचे इसके अपना जो किचन का वेस्ट निकलता है वो डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि नीचे कंपोस्ट खाद भी तैयार रहती है और ऊपर हमारे मिट्टी डालने के बाद ग्रो बैग फिल भी हो जाता है। तो जब तक पौधे की जड़ें नीचे तक जाती हैं, तब तक वो अच्छी खासी इनको कंपोस्ट का न्यूट्रिशंस जो है वो मिलता रहता है।
तो देखिए मैंने डाल दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक एक इंच के गैप पे, जैसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे करके इनमें ये जो हमारे बीज है ना ये लगाऊँगी। देखिए कैसे, जैसे एक ये है ना, एक यहाँ लगाया, दो दो डाल देती हूँ, एक यहाँ ऐसे, क्योंकि मिट्टी तो मतलब ये जो है ये ऐसे ही नीचे जाएगी मूली, और इसी तरह एक एक इंच के दो दो इंच के गैप पे ही लगेगी। एक बार इसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ लग रही है, आप देखते रहिएगा। मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं एक हाथ में पकड़ी हुई हूँ, मोस्टली आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जब ये लग जाएगी ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दिया। एक ग्रो बैग में आप 10 से 12 मूली आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार निकल आती है ना तो फिर वो चल जाती है। तो ये देखिए ये मैंने मूली लगा दी, और सेम अभी पाइप से वाटरिंग करूँगी तो मैं इसमें भी डाल दूँगी। अब चलिए लगा लेते हैं बालसम के सीड, क्योंकि मौसम आ रहा है बालसम का, और बालसम के फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं बालसम के पॉट के पास। तो गाइज़ ये मैंने पॉट तैयार कर लिया है, और देखिए मैंने इसमें कोई ख़ास मिट्टी नहीं ली है कि कोई स्पेशल ट्रायल मिक्स इसका तैयार किया हो। ये मेरा पुराना गमला रखा हुआ था, तो मैंने इसको ही धूप में रख दिया था थोड़ा सा, तो इसकी मिट्टी स्टेरलाइज हो गई थी। फिर इसमें थोड़ा सा फंगी साल्ट मिला दिया था। अब इसमें ये बालसम के सीड हैं, देखिए ये मैं इन पर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूँगी। ये स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब इनमें ना एक मुट्ठी मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। तो देखिए ये है ना, अब इसी तरह से इसमें बस एक लेयर मैंने डाल दी, एक लेयर मैंने डाल दी है। ये देखिए मैंने इसमें भी पानी दे दिया है, और इधर भी सब पौधों में पानी मैंने दे दिया है। ये एक गार्डन है, अभी नीचे के भी दोनों फ्लोर हैं उनमें भी देना है। और देखिए इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया। अब इस वाले पॉट को मैं उठा के मैं इसके इनके नीचे रख दूँगी, ताकि इसमें डायरेक्ट धूप, यहाँ पे रख देती हूँ ताकि डायरेक्ट धूप, ये इधर इस तरफ, सॉरी हाँ ये यहाँ रख देती हूँ ताकि इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। और बस ये हो गया। तो गाइज़ बस आज का वीडियो इतना ही तक ही था, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, और आज कुछ सब्ज़ी के बीज लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे मूली के लगाए और भिंडी के लगाए। अब कल भी कुछ सीड के मतलब सब्जियों के ही बीज लगाऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी नीचे के पौधे रखे हैं उनमें भी पानी डालना है, कुछ कटिंग्स निकालनी हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये थोड़ी सी गार्डनिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई मतलब सुझाव हो कि इस टाइम और कौन कौन से सीड मतलब वेजिटेबल्स के लगा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।